लेकर नागपुर शहर की पुलिस भी बीमारी से बचने के लिए पुलिस स्टेशन में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रही है। पूरे देश में कोरोना बीमारी से लेके पूरे देश में कई लोगों की मौत हो चुकी है, उसी कोरोना बीमारी से लेके हमारे नागपुर शहर में जिस तरीके से देखा जा रहा है, हर पुलिस स्टेशन में कई बाहर से आने जाने वाले लोग, इस पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारी कितने अपने आप को उस कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, आइए हम पुलिस स्टेशन में जाकर देखते हैं कि पुलिस कर्मचारी अपने आप को इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। पूरे देशों में कोरोना वायरस से कई लोगों की मौत हो चुकी है। नागपुर शहर में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए मॉल, दुकानें, सब्जी दुकान, स्कूल को भी बंद किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के आंदोलन मोर्चा को परमिशन नहीं दी गई। बड़ी पुलिस स्टेशन में देखा गया, आने वाले सभी लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जा रही थी और कर्मचारी भी मास्क लगाकर काम करते हुए नजर आए। सर, अपने पुलिस स्टेशन में हर प्रकार के लोग आते हैं, आरोपी आते हैं, फिरियादी आते हैं, कंप्लेंट लिखते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं। सबसे पहले तो ये जो डर का माहौल बना है उसे हम हमारे लोगों को थोड़ा उससे फ्री किया है कि इतना डरने की कोई बात नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने खुद से मास्क परचेस किए हैं, सैनिटाइजर परचेस किया है। हर आने जाने के वाले को हम लोग उसको इंटीमेशन दे रहे हैं कि आप कृपया मास्क पहनी है, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। जिनके पास नहीं है हम उनको यहाँ हमारे रिसेप्शन बॉक्स के जरिए उनको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। जिस पब्लिक के पास में मास्क नहीं है हम भी मास्क उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और अंदर जाने से पहले जबकि हमारा जो स्टेशन हाउस है वहाँ जाने के पहले हम उसको सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करके उसको हम लोग अंदर भेज रहे हैं। और हम लोग पब्लिक अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि इतना डरने की ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन डर का माहौल है इसीलिए थोड़ा सा पैनिक वो लोग हुए हैं, तो उनके ज़रिए फिर हम लोग उनका प्रबोधन कर रहे हैं और जो उनके मन में जो डर है वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एज पर जैसे फ्री क्लाइमेट अगर रहे तो सब अच्छे तरीके से हम हमारा भी काम कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने हमारे लोगों के प्रिकॉशंस के लिए मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड किया है। और उनको हर दिन सुबह शाम उनको हम लोग सूचना देते हैं कि किससे कैसा बिहेव करना है, और ये कोरोना के बारे में जो आजकल अफवाहें चल रही है उसके बारे में भी हम लोगों को बता रहे हैं कि किसी अफवाह पे ध्यान ना दे, हम आपका रोजमर्रा का काम है वो शुरू रखिए, लेकिन आप थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। आज वायरलेस गाड़ी द्वारा सभी दुकानदार और ठेले वालों को भी बंद करने की चेतावनी दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ रितेश बोरकर, V24 तास, नागपुर।